कल वाली क्लास में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स स्केप विलास्टी से रिलेटेड और भी जो पिछले चैप्टर से रिलेटेड थे उसको किए थे, और आज हम लोग उसी टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे और कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैं करवा रहा हूँ NCERT से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और इसीलिए बेस्ट प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग ये कंसिडर कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो भी हो आप लोग डाल लीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन था वैसे? क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नंबरिंग में कर दे रहा हूँ। तो इसमें दिया है कि पृथ्वी के पृष्ठ से ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर एक रॉकेट 5 किलोमीटर प्रसेकंड की चाल से दागा जाता है, यानी कि छोड़ा जाता है। रॉकेट लॉन्चिंग का प्रोसेस हो रहा है। तो पृथ्वी पर वापस लौटने से पूर्व यह रॉकेट पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक जाएगा? ठीक है, तो ये आपको इसकी हाइट कैलकुलेट करना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कुछ चीज़ों को ध्यान देते हुए चलना है। तो सॉल्यूशन में क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में कि पृथ्वी पर वापस लौटते समय, ठीक है ना, पृथ्वी पर वापस लौटते समय और लौटने से पूर्व, ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट कब वापस लौटता है? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंके तो वापस कब लौटेगा? अपनी मैक्सिमम हाइट को अटेन करने के बाद, क्योंकि अगर वो मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो वहाँ पर एक सेकंड के लिए ही सही, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? शून्य होगी, जीरो होगी। फिर वो रिटर्न पाथ अपना चेंज करेगा और अपोजिट डायरेक्शन में रिटर्न आएगा ना, पैराबोलिक पाथ बनाते हुए जो भी आएगा। तो वापस लौटते हुए समय का क्या मतलब है? वापस लौटते समय का मतलब कि उसकी मैक्सिमम हाइट हमें कैलकुलेट करनी है कि वहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो अब इसमें इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोगों ने एक डेरिवेशन कर रखा था। डेरिवेशन क्या किया था कि जब ऑब्जेक्ट पृथ्वी की सतह से प्रक्षेपित किया जाता है ऊपर की ओर तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में लगातार वृद्धि होती आती है, ठीक है, और जबकि उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होती है? कमी होती है लगातार। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा में या जो कमी होती है स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। ठीक है, तो हमें हाइट कैलकुलेट करना है। इस प्रकार का हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी डिराइव किए हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है तो इसमें क्वेश्चन में कहा है, इस चीज़ को मैंने लिखा नहीं है, तो उसने जी की वैल्यू भी दे रखा है, मास ऑफ अर्थ यानी ME भी दे रखा है और रेडियस ऑफ अर्थ RE भी दे रखा है। तो ये तीनों पैरामीटर्स हमें इस क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, तो इसको किस प्रकार से देखते हैं, तो कंसेप्ट हम लोग वही लगाएंगे जो हम लोग यूज़ किए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तीनों पैरामीटर्स में यूज़ करने हैं, हम लोग क्या करते हैं तो विलास्टी में पता है ना, रॉकेट की विलास्टी कितनी है? 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो विलास्टी ऑफ रॉकेट या वी इज़ इक्वल टू 5 किलोमीटर पर सेकेंड ना। आप चाहिए तो इसे मीटर पर सेकेंड में यहाँ पर कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि हमें MKS में ज़रूरत रहती है सब चीज़ को। ठीक है, तो 5 × 10³ मीटर पर सेकेंड। तो पहली बात तो हमें विलास्टी पता चलेगा कितना, 5000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको हाइट कैलकुलेट करना है ना, तो क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी तल पर ना रॉकेट की स्थितिज ऊर्जा, तो पृथ्वी तल पर अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करें कितना हो जाएगी, तो ये हमारे पास होता है पृथ्वी तल पर। तो U कहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं पृथ्वी तल पर, तो U1 कंसीडर कर लीजिए या केवल U कंसीडर कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? तो -GME m डिवाइडेड बाई RE। ठीक है, और जब पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट कितना है h मान लेते हैं हम लोग, तो माना रॉकेट पृथ्वी तल से अधिकतम h ऊंचाई तक जाता है, अधिकतम h ऊंचाई पर जाता है, h ऊंचाई, ठीक है, h ऊंचाई तक जाता है। ठीक है, जाता है, तो उस केस में अतः h ऊंचाई पर क्या हो जाएगा? रॉकेट की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो U डैश बराबर कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ कैपिटल जी एम ई
स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि निकालेंगे और वो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि रॉकेट की गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि वृद्धि बराबर रॉकेट की गतिज ऊर्जा में कमी ना, या गतिज ऊर्जा में कमी, गतिज ऊर्जा में कमी कमी। चलिए तो इसको कर लीजिए, तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि मतलब अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, तो U डैश माइनस U इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी यानी K, वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो U डैश या यहीं से कर लीजिए K इज, हमें क्या करना है, हाइट कैलकुलेट करनी है ना, तो कुछ भी हो K इज इक्वल टू U डैश माइनस U, इधर कर लीजिए, तो K की वैल्यू 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, रैकेट का मास m है, वेलोसिटी हम लोग v कंसिडर किए, U डैश यहाँ पर माइनस कैपिटल G m e m डिवाइडेड बाई r e प्लस एच, और माइनस करके U कैपिटल G m e m डिवाइडेड बाई आर ई, सॉल्व कर लीजिए तो 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है, इसमें माइनस, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिएगा तो इसमें जी एम ई एम पूरे में कॉमन है, देखिएगा स्टार्ट कर रहे हैं, जी एम ई एम पूरे काम पूरे में कॉमन है, उसके बाद ये वाला क्या बचेगा, माइनस में 1/r e प्लस एच, तो माइनस 1/r e प्लस एच, और ये वाला माइनस माइनस प्लस 1/r e, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो कितना हो गया, तो m से m कैंसिल आउट, ठीक है, हमें h कैलकुलेट करना है, माइंड में आपको हर समय ये रखना है कि हमें h कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो कितना आ गया, तो आपके पास आ गया v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ से जी एम ई आपके पास बचा, और प्लस वाला पहले लिख लीजिए माइनस वाला बाद में लिख लीजिए, तो कैपिटल जी एम ई इंटू ये क्या हो जाएगा 1/r e और माइनस 1/r e प्लस h, एलसीएम ले लीजिए, तो जब एलसीएम लेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई इंटू आर ई प्लस एच, इधर ये इधर, तो r e प्लस h माइनस आर ई इंटू आर ई इंटू आर ई प्लस एच, ठीक है, ये आर ई से आर ई कैंसिल आउट, नोट कर लीजिए जल्दी से, हमारे पास आया सुप्रभा, बात नहीं, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमें एच कैलकुलेट करना, ध्यान दीजिएगा, पहले बचा हमारे पास क्या उसको देख लेते हैं, तो क्या बचा है, वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई, और ब्रैकेट में क्या बचा है, एस बाई आर ई ना, आर ई स्क्वायर, आर ई को चाहो तो कॉमन ले लो, तो आर ई को कॉमन ले लोगे तो ये आर ई स्क्वायर हो जाएगा, और बचे गया क्या, 1+s/re, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, कुछ करना नहीं है इसको, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इस पूरे को यहाँ पर ले आते हैं और ये उधर चला जाएगा, ठीक है, तो देखिएगा एक स्टेप में समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर मुझे स्टेप्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो 1+s/re, ठीक है, क्या किए हम लोग, केवल इतने स्टेप को इधर ले आए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और इधर कितना बचा है, इधर बसा है आपका जी एम ई एस, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू कैपिटल जी एम ई एस, ठीक है, और पूरे का डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर भी आया और आर स्क्वायर पहले से था, ठीक है, तो वी स्क्वायर इंटू आर ई का स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखना गड़बड़ ना होने पाए, अब क्या करते हैं एच का इसमें डिवाइड करते हैं, केवल एच का, और सबको लिखा रहने देते हैं, तो एच का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/h, पहले 1 से डिवाइड 1 में डिवाइड करेंगे प्लस, फिर उसके बाद इसमें डिवाइड करेंगे, तो एच पहले से है, डिवाइड क्या करना है एच से आर ई, तो एच से एच कैंसिल आउट इज इक्वल टू, इधर क्या बचा 2 कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इंटू आर ई का स्क्वायर, ठीक है, अब आपके पास 1/h बच गया ना, हमें एच निकालना था, मतलब कि पहले एच वाला टर्म सबसे अलग करना था, जब तक अलग नहीं होगा तब तक वो नहीं निकलेगा, तो एच वाला टर्म अब अलग हो गया,
तो जो भी बचा है उसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आया कितना आया, तो 1/h इज प्लस कितना बचा है 1/re, re माइनस सॉरी इज इक्वल टू 2GMa ना, एम ई डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इंटू आर ए का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करना है, 1/re को इधर ले जाएंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, तो 1/h की वैल्यू आ गई, 1/h इज इक्वल टू 2GMa डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इंटू आर ई का स्क्वायर माइनस 1/re। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो इस पूरे का एलसीएम क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इंटू आर ई का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/h इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए तो 2GMa, इसमें कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसके नीचे पूरा है, कुछ नहीं होना है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर आएगा और आर ई आएगा ना, तो वी स्क्वायर इंटू आर ई और पूरे का एलसीएम कितना रहेगा, वी स्क्वायर इंटू आर ई का स्क्वायर, सही है ना। तो फिर यस जब निकालेंगे तो पूरा पलट जाएगा, तो यस बराबर क्या हो जाएगा, तो यस बराबर 2GMa, सॉरी ये ऊपर चला जाएगा ना, तो यस बराबर वी स्क्वायर आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2GMa और माइनस वी स्क्वायर इंटू आर ई, वैल्यूज पुट करिए, आंसर ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा देखिएगा, तो वैल्यूज सारी वैल्यूज पुट कीजिए, तो h की वैल्यू जो भी है मीटर में आएगी तो कितना आएगा, तो h इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी की वैल्यू 5 किलोमीटर पर सेकेंड यानी 5000 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, तो 5×10³ मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर ना, यूनिट मत लिखिए नो प्रॉब्लम, आर ई 6400 किलोमीटर यानी 6.40×10⁶ मीटर का होल स्क्वायर ना, डिवाइडेड बाय 2×G की वैल्यू 6.67×10⁻¹ⁱ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इंटू एम ई मास ऑफ अर्थ 6.0×10⁴ kg। ठीक है, माइनस वी स्क्वायर यानी 5.0×10³ का होल स्क्वायर इंटू आर ई 6.4×10⁶। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, तो पहले पावर्स को एडजस्ट कीजिए, तो पावर्स को जब एडजस्ट करेंगे तो एच इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 5 25 5 5 25, तो 25×10³ 3 2 6 इंटू 6.4 का स्क्वायर, तो 6.4×6.4 और 10^12 डिवाइडेड बाई, नीचे कुछ कामन है, कुछ नहीं कामन है, पावर्स भी नहीं, पावर्स को पहले सॉल्व करो, तो 2 6 देखिए 2 का 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, या तो 2 का इसमें कर लीजिए, तो 2 7 14 यानी 2 7 14 का 4, 2 6 12 1 13 का 3, 2 6 12 1 13, तो 13.34। ठीक है, गुणते 6 है यहाँ पर, और पावर कितनी, 10⁻¹⁪ इंटू 10⁻¹⁪ +24 कितना हो जाएगा, 13 तो +13 और माइनस 5 का स्क्वायर 5 5 25 इंटू 10³ 3 2 6। ठीक है, और क्या बचा है, 6.4×10⁶। तो इसमें 10³ है और इसमें 10⁻¹² है, तो मैनेज करके हम लोग क्या करते हैं, पावर को कॉमन लेते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, तो कितना आया, एस की वैल्यू आ गई आपके पास, एस इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा नहीं तो गड़बड़ होगा तो आप लोग जानिएगा। ठीक है, 25 मल्टीप्लाइड बाई कितना है, 6 1 सेकंड, ये 6.4 का जब स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 40.96 और पावर्स को सॉल्व कीजिए, तो पावर कितना हो गया टोटल, हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे ना, 10^12 + 6 10⁻¹⁸ डिवाइडेड बाई। ठीक है, नीचे से हमने क्या कहा था, इसमें हमने कहा था कि आप पावर्स को कॉमन लीजिए, 6 6 इसमें 12 है, इसमें 13 है, तो कुछ इस तरीके से कीजिए कि दोनों में या तो 12 हो जाए या दोनों में 13 हो जाए,
तो इसी को हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। पहले आप 6 का इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 6 कामन तो है नहीं, 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 624 का 4, 6 × 18, 18 × 2 = 20 का 0, और 6 × 18, 18 × 2 = 20 का 0, और 6 × 6 = 8, ठीक है। पॉइंट कितने डिजिट पहले, 1, 2, 80.04, ठीक है। इंटू 10^13, इसमें 13 है तो लास्ट वाले में हम लोग 13 बना लेते हैं। इधर माइनस करके 25 का 6.4 में मल्टीप्लाई कीजिए, 25 का 6.4 में, तो 2500 को 100 का 0, ध्यान से देखिएगा, और 25 का 150, 10 = 160, तो 160 हो जाएगा, ठीक है। और पॉइंट एक डिजिट पहले, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, इंटू 10^12 कितना है, 12, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग क्या करते हैं कि एक डिजिट लेफ्ट आ जाते हैं, जब एक डिजिट लेफ्ट आएंगे तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखे, तो 160 को हम लिखेंगे कितना, 16.0, तो 16.0 और 10^12 कितनी हो जाएगी, 13। अब आप 10^13 को कॉमन ले लीजिए और आपका जो सॉल्यूशन है वो लगभग आ गया है। तो अब इसमें 25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 का 150 का 0, और 25 9 = 225, और 225 प्लस 15 240 का 0, ठीक है। कैरी कितना लगा, 20, हाँ अच्छा 1024 आया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो, 25 का 150 का 0, 25 9 = 225, 15 40 का 0 कैरी, 24, और 25 0 = 0, 24 का 4, 2500 को 100, और 100 + 2 ना 102, तो 102 पॉइंट कितने डिजिट पहले, 2 डिजिट पहले, तो 1024 मल्टीप्लाइड बाई 10^18, और नीचे से क्या था, 10^13 आपका कॉमन है, तो बचेगा कितना, तो इसे अप्रॉक्सीमेट में 80 ले लीजिए, तो 80.04 - 16, ठीक है, और 10^13 ना, 10^13 को ऊपर ले जाइए, और ये आपका कितना बचा, 1024, और इसको अगर अप्रॉक्सीमेट में 80 ले लेंगे तो 80 में से 16 गया, जो भी आएगा 64 ना, तो आपका 1024 डिवाइडेड बाय 64 और मल्टीप्लाइड बाय 10^18 - 13 कितना, 10^5, सही है ना, एक बार लिख दीजिए अगर प्रॉब्लम हो तो, 18 - 13, तो ये कुछ कटेगा, 4 से काटिए, 4 × 2 = 8, 2 × 22 हो गया, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, फिर 4 से कट जाएगा ना, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, 16 × 16 = 256, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर है तो कितना आ गया, तो 16 × 10^5 क्या, मीटर, यानी इसे लिख सकते हैं, 16 का मतलब 16.0 × 10^5 मीटर। तो अब देखिएगा पॉइंट को हम क्या करते हैं, 2 डिजिट राइट जा रहे हैं, जब 2 डिजिट राइट जाएंगे तो पावर प्लस में क्या, माइनस में क्या करेगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 और 1 और 1, 2 जीरो आ गए, तो पावर कितनी बची, 10^3 मीटर, और 10^3 मीटर को क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया, तो एच बराबर 1600 किलोमीटर, ये आपका आंसर है, नोट डाउन। ब्रैकेट में जानबूझकर बना देता हूँ, नहीं कुछ लोग पूछते हैं कि आंसर कहाँ है, क्यों आप ही लोग ढूंढने लगते हो, इतना हम राउंड अबाउट लिखते हैं घुमा घुमा कर, क्या स्वाति नहीं सही है क्या, ये क्वेश्चन आपके पास दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कोई उपग्रह पृथ्वी के पृष्ठ से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो इस उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव से बाहर निकालने में कितनी ऊर्जा खर्च होगी, उपग्रह का द्रव्यमान दे रखा है 200 kg ना, और क्या दिया है, मास ऑफ अर्थ 6.0 × 10^24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ दिया है 6.4 × 10^6 मीटर ना, यूनिट में आप लोग बहुत ज़्यादा क्लियर रहने की जरूरत है, तो कैपिटल जी इज इक्वल टू 6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। तो अब जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर पलायन ऊर्जा की ज़रूरत है, ठीक है, और हम लोगों ने जो पृथ्वी तल पर पलायन ऊर्जा निकाला था, तो पलायन ऊर्जा का जो पलायन ऊर्जा की जो वैल्यू हमें मिली थी यू स्केप, ठीक है, तो वो कितनी मिली थी, तो माइनस कैपिटल जी एम ई एम
डिवाइडेड बाई आर ई, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, तो ये पृथ्वी के तल पर पलायन एनर्जी थी, एक्सकेप एनर्जी, लेकिन उपग्रह जो यहाँ पर है उसकी ये कंडीशन नहीं है, वो पृथ्वी के तल पर नहीं है बल्कि पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। हाँ, 400 किलोमीटर ऊंचाई है, 200 किलोग्राम उसका मास है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ठीक है, क्वेश्चन बोलने वाले को भी क्वेश्चन का ध्यान नहीं, ठीक। तो 400 किलोमीटर ऊंचाई पर है, 200 किलोग्राम उपग्रह का मास दे रखा है। तो देखिएगा, जब उपग्रह पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, तो उसके पास दोनों एनर्जी होगी। दोनों का मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। पोटेंशियल एनर्जी इसलिए कि वो पृथ्वी की सतह से इतनी हाइट पर है, MgH, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसलिए कि क्योंकि वो लगातार वी वेग से, जो भी वेग है उससे रिवॉल्व कर रहा है। तो कहने का क्या मतलब, तो कहने का मतलब कि वहाँ पर हम लोग पलायन ऊर्जा का यूज़ ना करके उपग्रह की कुल ऊर्जा का यूज़ करेंगे। पहले इसमें फॉर्मूला हम लोग क्लियर करेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाएं, नहीं तो आप पलायन ऊर्जा का फॉर्मूला लगाओ तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक तरीके से उसको पृथ्वी की कक्षा से पलायन ही कराना है ना, लेकिन वो पृथ्वी की सतह पर ना रहकर एक निश्चित कक्षा में है, तो उसके लिए हमें पलायन ऊर्जा की जगह पर उपग्रह की कुल ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये मेन कंसेप्ट यहाँ पर समझना है। तो क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी तल पर या पृथ्वी तल से ना एच ऊंचाई पर, ऊंचाई पर, ठीक है, स्थित किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा कितनी आती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला आप लोग अच्छे से पता है आप लोग को। तो कुल ऊर्जा कितनी आती है, कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा E बराबर माइनस ऑफ 1/2 कैपिटल जी एम ई स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच। जब पृथ्वी तल पे रहेगा तो आर ई, लेकिन पृथ्वी तल पे नहीं है, पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पे है, बस हो गया। इसी फॉर्मूले का यूज़ कर लीजिए, तो वैल्यूज को पुट कीजिए, बात नहीं क्यों बात कर रहे हो, तो माइनस ना, ध्यान देखिएगा, तो कैपिटल जी 6.67 इंटू 10^-11 इंटू एम ई मास ऑफ अर्थ 6.0 इंटू 10^24 के जी इंटू मास स्मॉल एम, स्मॉल एम जो है उपग्रह का मास है 200 के जी, तो 200 डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 2 तो 2 भी है और आर ई प्लस एस, आर ई का मान कितना था 6400, रुके रहिएगा, ये किलोमीटर पहले लीजिए, किलोमीटर प्लस एस कितना था 400 किलोमीटर, तो बाद में इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, 400 किलोमीटर, ठीक है। तो कितना आ गया, पहले देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 1 2 100 आ गया, 10^2 बढ़ जाएगी, ठीक है ना, तो इस तरीके से थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो कितना आया, तो माइनस में 6.67 इंटू 10^-11 इंटू 6.0 इंटू 10^+24 प्लस 2 प्लस 26 डिवाइडेड बाई, ठीक है, तो 6400 प्लस 400 6800, ठीक है, तो 6800 किलोमीटर। अब इस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 6 का पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 7 = 42, 6 × 36 = 40 और 6 × 36 = 40, ठीक है, तो 40.02 और डिवाइडेड बाय कितना है नीचे, इसको मीटर में चेंज, पावर कितनी है, माइनस 11 प्लस 26 कितना बची, 10^+15 प्लस 15, ठीक है, और नीचे नीचे लिख देंगे 6.8 इंटू 10^6 मीटर ना। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा देखिएगा ना, यहाँ पर आप पॉइंट्स जो हैं उसको काटने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 डिजिट, तो यहाँ पे 0 लगा दीजिए और इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास निगेटिव साइन मत भूलिएगा, तो आपके पास जो E की वैल्यू है टोटल एनर्जी वो कितनी आ गई, माइनस ऑफ, ठीक है, तो माइनस 4002
डिवाइडेड बाई 680 और मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 15 ऊपर है 6 नीचे है, ठीक है। तो 10 की पावर कितनी बची, 15 माइनस 6, ठीक है, कितने हो गई, तो 4002 और ये हाँ कट जाएगा, 4002 डिवाइडेड बाई इसे केवल 68 कर लीजिए, तो 10 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर कितनी बची, तो 15 में 6 गए 9 और एक और कम हो जाएगा 8, डायरेक्ट कर रहे हैं। अब दो से काट दीजिए, इजी करना है तो ना, तो 2 × 4 00, 2 × 1 = 2 और 2 ये कितना गया 34, तो 2001 में क्या कीजिए, 34 का डिवाइड कर दीजिए इंटू 10^8, ठीक है, कितना आएगा, डिवाइड किए तो 2001 डिवाइडेड बाई 34 कितनी बार जाएगा, 3×18, 6 बार तो नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 5×20 का 0, 5×3 = 15, 15×2 = 17, 170, ध्यान से देखना, तो कितना बचा 30, तो 301 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, अभी कैरी नहीं लगाएंगे ना, तो अब 3×9 = 27, 9 बार जाएगा, 8 बार, तो 58, 8×32 = 2 और 8×3 = 24, 24×3 = 27, 272, तो 11×2 गए 9, यहाँ 9×7 गए 2, 29 बचा, 290, अब कितनी बार जाएगा, 272 है, 8 बार जाएगा, 9 बार नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि 272 आया ना 8 बार में, ठीक है, तो 272, ठीक, बस इतना ले लीजिए, तो कितना है आपका, तो ये आपका आ गया 58 पॉइंट माइनस में, माइनस ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो पूरा माइनस में आया था, तो माइनस में 58.8 इंटू 10^+8 जूल, ठीक है, या पॉइंट को एक डिजिट इधर लाइए, तो माइनस जब करेंगे तो -5.88 या 89 हो जाएगा, राउंडिंग आप करेंगे, जब राउंडिंग आप हम 8 को छोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, या आप दो डिजिट में ही रहने दीजिए, थ्री डिजिट में, तो 5.88 इंटू 10^ कितना हो जाएगा, 9 जूल, ये क्या आया, तो ये टोटल एनर्जी निगेटिव आ रही, इसका क्या मतलब कि अगर सेटेलाइट को इतनी पॉजिटिव एनर्जी दी जाए तब जाकर वो क्या करेगा, पृथ्वी की कक्षा को छोड़ पाएगा, ठीक है, तो जो आंसर आएगा हमारा क्या आएगा, प्लस में आएगा ना, तो एक लाइन में आप आंसर लिख दीजिएगा, तो नोट कर लीजिए इतना जल्दी से। क्वेश्चन हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें दो चीज़ें पूछ रहा है, एक तो गुरुत्वीय विभव और दूसरा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार, तो कहा है कि दो भारी गोले जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान कितना दे रखा है 100 kg, तो जो गोले हैं हमारे पास उनका मास दे रखा है 100 kg और उनकी त्रिज्या भी दिया है 0.10 meter, हालांकि इस क्वेश्चन में हमें त्रिज्या की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो अब कह रहा है कि किसी क्षैतिज मेज पर, रुके रहिए, किसी क्षैतिज मेज पर एक दूसरे से 1 meter की दूरी पर स्थित है, ठीक है, 1 meter की दूरी पर स्थित है, तो दोनों गोलों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, ध्यान दीजिएगा, मध्य बिंदु पर पूछा है गुरुत्वीय क्षेत्र, क्या क्या पूछा है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र यानी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय विभव, ना दो चीज़ पूछा है। सॉल्यूशन में देखिएगा आप लोग, तो क्या करते हैं हम लोग, तो अब इसको सपोज कीजिए इस तरीके से कि दो आपके पास स्पेयर्स हैं, पहले एक आप क्या कीजिए क्षैतिज रेखा कंसिडर कर लीजिए, तो इस क्षैतिज रेखा पे दो स्पेयर्स जो हैं इस प्रकार से हैं, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, और दोनों जो हैं वो क्या है सेम मास के हैं ना, ठीक है, दोनों सेम मास के हैं और इनके केंद्र से जो दूरियाँ हैं इनके बीच की स्पेसिंग जो है टोटल कितनी है 1 meter, 1.0 meter, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 1 meter की दूरी पर स्थित है। अब क्या हुआ, कहा जा रहा है कि इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, जब हम मध्य बिंदु की बात करेंगे तो मध्य बिंदु का मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0.5 meter, ठीक है, ये आपका मध्य बिंदु हो गया, इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से फिक्स डिस्टेंस 0.5 meter ना, ध्यान दीजिएगा, तो मध्य बिंदु कितना हो गया 0.5 meter पे, तो इस बिंदु पर इस पॉइंट को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट को ए कंसीडर कर लेते हैं, तो पॉइंट ए पर आपको गुरुत्वीय विभव निकालना है और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ध्यान दिया जाए, फॉर्मूला आप लोग को याद है, बनाना पड़ेगा, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, तो पहला काम करते हैं
विभव हमेशा निगेटिव होता है, माइनस में जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई, और जो गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता है वो आई इज इक्वल टू एफ अपान एम। क्या हुआ शुभम, क्यों सर? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो आप क्या होता है, तो गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता हमारी जो है वो क्या होती है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि वो क्या है, एक सदिश राशि है, और जब सदिश राशि के कारण पॉइंट ए पर, इसके कारण जब हम गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, जबकि इसके कारण निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में होगी। अब दोनों क्या है, परस्पर अपोजिट हैं। अपोजिट होने के साथ साथ, चूँकि ये मासेस दोनों सेम हैं, अगर ये 100 केजी है तो ये भी 100 केजी है, 100 केजी। अब चूँकि गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे, मासेस सेम होने के कारण दोनों तीव्रताएँ सेम आएंगी। तीव्रताओं का जो मान है यानी मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा ही, साथ साथ इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो एक दूसरे से इक्वल और अपोजिट होने के कारण इस पॉइंट ए पर नेट गुरुत्व क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि आपका विभव जो है वो एक अदिश राशि है, और विभव जितना रहेगा तो क्या होगा, इसके कारण विभव और इसके कारण विभव, दोनों का विभव निकलेगा और उसका टोटल योग जो है उसके कारण आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो जब तीव्रता निकालेंगे तो क्या होता है हमारे पास, आई इज इक्वल टू एफ अपान एम। ध्यान दीजिएगा, ये होता है फॉर्मूला, और एफ की वैल्यू कैपिटल जी एम एम ई एम यानी एम वन एम टू। ठीक है, तो एम वन एम टू सब क्या है, एम वन इसका भी एम है, इसका भी एम है, यानी एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है। ठीक है, आर का स्क्वायर होता है तो आर स्क्वायर कर देंगे, और एम ऑलरेडी है तो एक एम से एक एम कैंसिल आउट हो जाता है। जो गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता की जो डिफिनेशन आती है वो क्या आती है, कैपिटल जी एम ई होता है, वो मास ऑफ अर्थ के कारण होता है। लेकिन यहाँ पे अर्थ नहीं है, यहाँ पे जस्ट टू बॉडीज हैं, टू स्फेयर्स हैं। ठीक है, जो 100 केजी पे हैं, तो एम ई रहेगा तो मास ऑफ अर्थ लेंगे, यहाँ पर तो अर्थ नहीं है ना। ठीक है, तो जी एम अपान आर का स्क्वायर, तो ये होगा। तो जब पहले गोले के कारण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका आई वन, दूसरे गोले के कारण आई टू, और दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, तो ना, तो बिंदु ए पर, परिणामी तीव्रता, तो आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, ऐसे निकालेंगे। तो आई वन की वैल्यू रखेंगे हम लोग कैपिटल जी एम अपान आर स्क्वायर, तो I2 की वैल्यू क्या करेंगे, निगेटिव रखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन, माइनस कैपिटल जी एम अपान आर स्क्वायर। ठीक है, क्या यहाँ पे लिख देना, बराबर और विपरीत हैं, बराबर व विपरीत, विपरीत हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और I कितना आ जाएगा, ज़ीरो। तो मध्य बिंदु पर गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। और भी रीजन लिख देना, सदिश राशि होने के कारण, सदिश राशि। ठीक, फिर विभव हम लोग निकालेंगे। तो जब हम लोग विभव निकालेंगे तो मान लेते हैं कि पहले गोले कारण विभव V1, दूसरे गोले कारण विभव V2 ना, और कैसा है, अदिश राशि है, तो ये लिखना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर टू में, चूंकि गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव क्या है, विभव एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, अतः बिंदु बी पर, सॉरी बिंदु ए पर, ए पर जो कुल विभव आएगा, कुल विभव, विभव, तो विभव वी कितना आएगा, तो वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू। ठीक है, और विभव का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल जी स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर ना, माइनस में दोनों, इसका भी माइनस में होगा और इसका भी माइनस में होगा, कैपिटल जी स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टू टाइम्स कैपिटल जी,
ये प्लस है, प्लस माइनस का माइनस ही होगा, टू टाइम्स कैपिटल जी स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर, वैल्यूज पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इधर कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो कैपिटल जी की वैल्यू आपके पास वी इज इक्वल टू, तो माइनस कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर 11, ठीक है माइनस 11, और क्या है स्मॉल एम का मान 100 kg यानी 10 पावर +2 डिवाइडेड बाई आर का मान कितना है 0.5 क्या, अच्छा 2 नीचे लिखेंगे, अच्छा 2 हाँ 2 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, और एम की वैल्यू कितनी है, तो एम की वैल्यू आपकी कितनी है 0.5 मीटर, तो 0.5 ठीक है सॉल्व कर लीजिए, तो 0.5 से 2 को काटेंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 4 times ये हो गया, तो आंसर आपका आ गया माइनस में 4 × 6.67 गुणते 10 के घाते माइनस 11 + 2 9, ठीक है, तो 4 × 7 = 28 रुके रहो 4 × 7 = 28 4 × 24 = 26 4 × 24 = 26, ठीक है, तो माइनस में 0.2 digit पहले माइनस 26.68 × 10⁻¹9, अब पॉइंट को आप एक डिजिट और लेफ्ट ले जाइए तो -8 हो जाएगा, नोट कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा माइनस में 2.6 × 10⁻¹6 × 10⁻¹ राउंडिंग आपका देते हैं 1 6 छोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 2.7 × 10⁻¹⁸ क्या वोल्ट, जूल पर किलोग्राम या वोल्ट, जूल पर किलोग्राम, नोट डाउन। उसके बाद बात करते हैं, तो दिया है आप लोग का कोई उपग्रह पृथ्वी के पृष्ठ से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर, ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है कि इतनी किलोमीटर ऊंचाई पर जो उपग्रह चक्कर लगा रहे होते हैं उन्हें भूतुल्यकाली उपग्रह कहा जाता है, अभी हम लोग इसके बारे में पढ़े नहीं है, पढ़ लेंगे लास्ट लेक्चर वही उसी पर रहेगा, तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो इस उपग्रह का पृथ्वी के बल के कारण जो गुरुत्वीय विभव होता है उस गुरुत्वीय विभव को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, अभी इससे रिलेटेड हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन किया था तो डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ करना है हमारे पास, तो क्या हो जाता है, तो पृथ्वी तल पर, पृथ्वी तल पर, ठीक है, तल पर गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला क्या होता है, गुरुत्वीय विभव कितना होता है आपके पास फॉर्मूला, माइनस में कैपिटल जी एम ई, एम नहीं होता, डिवाइडेड बाई आर ई, पृथ्वी के कारण पृथ्वी के तल पर आर ई होता है, और जब पृथ्वी के तल से कुछ ऊंचाई पर रहे तो आर ई प्लस एस, ठीक है, तो पृथ्वी तल से, तल से एच ऊंचाई पर, ऊंचाई पर कितना हो जाएगा, तो विभव वी इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी एम ई मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच, वैल्यूज पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा कितना आया, तो माइनस में 6.67 रुकी रहो इंटू 10⁻¹1 मल्टीप्लाइड बाई एम ई 6.0 × 10⁻¹24 kg डिवाइडेड बाई आर ई 6,400 किलोमीटर प्लस 3,600 किलोमीटर ना 36,000 किलोमीटर सॉरी 36,000 किलोमीटर ना जोड़ दीजिए पूरा तो कितना आ गया तो माइनस में 6.67 × 6.0 × 10⁻¹ कितनी हुई −11 + 24 यानी +13 डिवाइडेड बाई ठीक है तो इतना इसमें जोड़ दिए तो कितना हो गया 36,000 + 6,400 ठीक है यानी 0, 0, 4, 6 से 12 का 2, 3, 1, 4 42,400 ठीक है तो 42,400 किलोमीटर मीटर में चेंज करेंगे 10³ ठीक है तो आपका आंसर आ गया मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 6 से पहले तो कुछ काट दीजिए तो काटेंगे 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 × 4 2 × 1 = 2 2 × 4 00 ठीक है तो कितना आया और भी कट जाएगा 2 से तो 2 × 1 = 2 0 × 2 = 12 00 ये कट गया तो आपके पास आया कितना इधर कर दे रहे हैं ध्यान दीजिएगा रुके रहो आंसर
पहले साल तो होने दो तो। हाँ हो गया है, क्या हुआ विकास? तो V इज इक्वल टू माइनस कितना है, यहाँ से बचा केवल 6.67 इंटू 10 की पावर 13 डिवाइडेड बाई, नीचे कितना बचा, तो 1, 2, 3, ठीक है, 3 डिजिट पहले पॉइंट को ले आओ, तो 10 होगा। अच्छा सही बात, सही बात, यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग है, देख लीजिएगा गलत हो गया है। आप लोग बोले भी नहीं, तो 2/3, वेरी गुड, ठीक है, तो ये कटा था केवल ना, इसको रहने दो, इसको नहीं काटना है आप लोगों को, गुड। कितना आया, तो 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 × 7 = 21 का 1, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 3 है, और नीचे कितना है आपका 1212 और 00 इंटू 10^3, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 से ये कटेगा भी नहीं, 3 × 7 = 21 नहीं कटेगा, तो 3 × 7 = 21 का 1, 3 × 18 = 20 का 0, 3 × 18 = 20, तो 2001 डिवाइडेड बाई 212 इंटू 10^3 प्लस 13 था और माइनस 3 ये वाली और 2 ये वाली 5, ठीक है ना, तो 2001 में 212 का डिवाइड कर लीजिए, तो 2001 कितनी बार जाएगा, 212 कितनी बार, 9 बार, तो 9 × 18 = 8 और 9 × 9 = 9 एक हो गया, सॉरी 9 × 18 = 8, 9 × 9 = 10 और 9 × 18 = 19, तो 11 × 60 गए 3, 9 यहाँ पे आ गया और तो कुछ नहीं बचा ना, 93, तो 930 हो जाएगा, आप 2 × 8 चार बार जाएगा, 4 × 8 4 × 4 और 4 × 8, तो 10 × 60 गए 2, यहाँ कितना बचा, 12 × 4 गए 8, ठीक है 82 बचा, तो 9.4, तो माइनस में 9.4 कहाँ पे, अच्छा पॉइंट नहीं लगाया क्या, 20 पॉइंट आएगा ना, 20.01 और डिवाइडेड बाई, तो आपका ये कितना आ जाएगा, तो आएगा 0.94, पॉइंट 9 बार जाएगा ना, ठीक है 0.9 टाइम्स नहीं जाएगा, 0.09 और कितना आया था 4, तो 0.094 इंटू 10^5, 13 × 5 के 8, ठीक है क्या, जूल पर केजी, और सॉल्व कर लीजिए, तो पॉइंट को 2 डिजिट और ले जाइए, तो कितना हो जाएगा माइनस में 9.4 इंटू 10^6 जूल पर केजी, इतना ही आ रहा है, नोट डाउन, ये आपकी क्लास ओवर हो गई।